मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी में इम्तहान होता है। डरने वालों को मिलती नहीं जिंदगी में कुछ, लड़ने वालों की कदमों में जहान होता है। सो हे गाइज, आई एम केशव देवरा, दिस इज योर ई क्लासरूम कॉमर्स कक्षा। चलिए सीखते हैं माई फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज क्लास 12th चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की वीडियो नंबर 4 है अपनी, जिसमें अपन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पे डिस्कशन करने वाले हैं ऑनवर्ड्स। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और इसके बाद कोऑर्डिनेशन का कुछ पोर्शन हमारे पास में है, उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग, अब अपन इसमें पढ़ने क्या वाले हैं इसको मैं आपको लेमैन लैंग्वेज में समझाने के प्रयास करता हूँ। अपन मैनेजमेंट पढ़े, मैनेजमेंट के अपने इसके पहले वाली वीडियो में अपन ने लेवल्स पढ़ा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके पहले वो सारी वीडियो देखिए, 3 वीडियोज जो और आ चुके हैं, उसके बाद इसको देखिएगा तो यू विल हैव अ बेटर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अपने लोग ने मैनेजमेंट को तोड़ा और मैनेजमेंट के अलग अलग लेवल्स देखे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, इन सब तरह के लेवल्स होते हैं। अब अपन को क्या देखना है, अब अपन को देखना है कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, मतलब चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो बॉटम लेवल हो, वो काम क्या करता है, व्हाट आर द फंक्शंस विच दे परफॉर्म। ठीक है, तो बेसिकली 5 फंक्शंस होते हैं जो कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। प्लानिंग पहला फंक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शंस हमारे किसी भी मैनेजमेंट के होते हैं। अपन धीरे धीरे ये भी देखेंगे कि कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट कौन सा फंक्शन जनरली परफॉर्म करता है, बट बेसिकली पहले इन 5 फंक्शन का मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूँ। इन 5 फंक्शन के बारे में मैं आपको समझा दूँ कि क्या फंक्शन है, कौन से फंक्शन का क्या रोल है। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा फंक्शन होता है वो होता है प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग। अब इन चीज़ों को मैं अगर आपके लाइफ से कोरिलेट करके बताऊं, तो जो भी मेरे छोटे भाई बहन जो भी मेरे को देख रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स जो भी मेरे को देख रहे हैं, सबसे अगर मैं पहला सवाल पूछूं कि अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना है, आपको एक्सपेक्टेशन है कि मेरे को 95% से ज़्यादा मार्क्स चाहिए, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? अगर आप बोलें कि आप अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज करते हैं और इसका जवाब अगर आप देना शुरू करें, तो सबसे पहले बात आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे भैया सबसे पहले तो मैं सोचता हूँ, सबसे पहले मैं प्लान करता हूँ कि मेरे को कैसे कैसे पढ़ना है, आपसे मेरे को ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, मेरे को कौन से ट्यूशंस में जाके पढ़ना है, मेरे को कौन कौन से बुक्स रेफर करने हैं। सबसे पहले तो मैं किसका एक प्लानिंग करता हूँ, एक मेंटल लेवल पे मैं कोई काम नहीं करता हूँ, मैं बस सोचता हूँ कि मेरे को ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है, वो करना है। तो ऐसा ही हमारे मैनेजमेंट में भी होता है। मैनेजमेंट में भी जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है प्लानिंग। अपने को क्या करना है, नहीं करना है, इसको पहले सोचना तो पड़ेगा ना, उसके बाद तो अपन कर पाएंगे। मेरे को पहले पता होगा कि हमको क्या करना है, नहीं करना है, तभी तो हम वो काम कर पाएंगे। और पता करने के लिए पहले हमको सोचना पड़ेगा कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये हुआ हमारा प्लानिंग। अब प्लानिंग की परिभाषा मैंने लिखी है, काफ़ी परिभाषा नहीं कह सकते हैं कि एक इंट्रोडक्शन मैंने लिखा है, क्योंकि ये जो 5 शब्द आप यहाँ पे देख रहे हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन 5 वर्ड्स के ऊपर में पूरा चैप्टर अपने को पढ़ना है। ठीक है, और आपको मैं बता दूँ कि अभी इन सब शब्दों के ऊपर अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को, आपको पता चलेगा कि इन 5 वर्ड्स के ऊपर पूरी की पूरी डिग्रियाँ हैं, पूरे के पूरे कोर्सेज हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग के कोर्सेज हैं, स्टाफिंग के कोर्सेज हैं, एचआर वगैरह से रिलेटेड, मैंने इन सब चीज़ों के ऊपर पूरे के पूरे कोर्सेज हैं, पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स भी नहीं है, कोर्सेज हैं, ये मैं बता रहा हूँ। बट अभी अपन जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो इन सब के ऊपर क्या है, पूरे के पूरे चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन देने का कोशिश कर रहा हूँ कि उनमें होता क्या है, सो दैट कि आप जब चैप्टर पढ़ें तो आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। सबसे पहला मुद्दा हमारे पास है प्लानिंग। प्लानिंग की परिभाषा में मैंने लिखा है कि डिटरमाइनिंग इन एडवांस। सबसे पहला चीज़ मैंने क्या लिखा है, एक चीज़ हो गया डिटरमाइनिंग इन एडवांस। दूसरा चीज़, तो पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं कि इससे क्या कहने का मतलब है। इसका कहने का मतलब है बहुत सिंपल, बहुत इजी, कि मेरे को एडवांस में डिटरमाइन करना है। एडवांस में डिटरमाइन करना है मतलब काम करके अपन थोड़ी सोचेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऑब्वियस बात है ना कि पहले अपन कुछ भी करने के पहले एडवांस में ही तो सोचना पड़ेगा ना कि हमको करना क्या है, तब तो जाके फ्यूचर में आप उस काम को कर पाओगे। तो इसी के लिए यहाँ पे लिखा डिटरमाइनिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, क्या क्या सोचना है मेरे को, क्या करना है, व्हाट टू डू। जैसे आपने ये सोचा कि आपको 95% लाना है, दैट वाज अ पार्ट ऑफ योर प्लानिंग। आपने प्लान किया कि मेरे को 95% मार्क्स लाना है या 95% से ज़्यादा मार्क्स लाना है, उससे कम में मेरा गुजारा नहीं चलने वाला है। दैट इज़ फर्स्ट थिंग, कि आप ये सोचते हैं कि मेरे को करना क्या है, व्हाट टू डू, करना क्या है, फिर हाउ टू डू। अब देखो, ये सोचना तो बहुत आसान है कि मेरे को करना क्या है, बट दिस इज़ कंपैरेटिवली अ डिफिकल्ट थिंग टू थिंक कि मेरे को ये कैसे करना है। आपने ये तो सोच लिया कि मेरे को 95% से ज़्यादा मार्क्स लाने, बट उसके लिए आपको ये भी तो प्लान करना पड़ेगा कि मेरे को एक एक वीडियो लेक्चर केशव भैया एकदम ऑनेस्टली देखने हैं, जो भी असाइनमेंट्स वो दे रहे हैं उसको करना है, जो भी चीज़ वो जिस तरह से बोल रहे हैं मेरे को समझने का कोशिश करना है, सिर्फ मगअप नहीं करना है चीज़ों को, सो दैट कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप हो। मेरे को मेरे स्कूल वाले सर यही असाइनमेंट्स दे रहे हैं तो मेरे को उसमें कैसे परफॉर्म करना है,
मेरे को एग्जाम्स में कैसे परफॉर्म करना है, ये सब चीज़ें आती है हाउ टू डू वाले पोर्शन में, कि मेरे को करना कैसे है। अगर अपन इसको बिजनेस से कोरिलेट करके देखें तो बिजनेस का प्लानिंग में व्हाट टू डू में हो सकता है कि भाई वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ टेक्सटाइल बिजनेस और वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ फर्नीचर बिजनेस, ये हो सकता है व्हाट टू डू। हाउ टू डू पे अपन सोचेंगे कि मेरे को पैसा कहाँ से लाना है, मेरे को फंड्स कहाँ से लाने हैं, मेरे को कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, मेरे को शोरूम में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, मेरे को ऑनलाइन बिजनेस मॉडल रखना है कि ऑफलाइन बिजनेस मॉडल रखना है। दिस होल थिंग विल कम अंडर हाउ टू डू एंड देन हु इज टू डू इट, कौन करेगा, कौन सा काम कौन करेगा। ऑब्वियसली जब आपकी पढ़ाई की बात कर रहे हैं तब तो सिर्फ आप ही करने वाले हैं। हाँ, उसमें ये डिसीजन हो सकता है कि मेरे को टीचर कौन सा चुनना है, मेरे को गाइड कौन सा चुनना है, मेंटर कौन सा चुनना है। तो अभी तो एज ऑफ नाउ आप सबका गाइड टीचर मेंटर मैं ही हूँ। एनीवेज, बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में बहुत सारे हमारे पास में इंप्लॉइज होते हैं, एक बड़े बड़े बिजनेस में हजारों हजार इंप्लॉइज होते हैं, सैकड़ों इंप्लॉइज होते हैं। तो वहाँ पे ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि ठीक है मेरा ये काम जो है ये काम ये वाला बंदा करेगा, ये काम मेरा ये वाला स्टाफ करेगा, ये काम मेरा ये वाला इंप्लॉय करेगा। तो बेसिकली प्लानिंग में क्या होता है, डिटरमाइनिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू इट, मतलब कौन करेगा, कैसे करेगा और क्या करेगा। दैट मीन्स सेटिंग गोल्स इन एडवांस, मतलब अपन को गोल सेट करना है अपना। सबसे पहला चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि गोल तो होना चाहिए, विजन तो होना चाहिए। आज बच्चों के पास, आज स्टूडेंट्स के पास गोल ही नहीं है कि मेरे को करना क्या है लाइफ में। आपने कॉमर्स ले लिया, हो सकता है आपके पास भी कोई गोल नहीं हो कि मेरे को सीए करना है, सीएस करना है, एमबीए करना है, क्या करना है, कुछ पता ही नहीं है लाइफ में। तो चिंता लेने की कोई बात नहीं है, मैं हूँ आपका दोस्त, मैं अपने चैनल पे आपको मोटिवेशनल सेशंस भी देता रहूँगा, करियर गाइडेंसेस भी देता रहूँगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अपने को ये पता हो कि अपने को करना क्या है, डिटरमाइनिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, दैट मीन्स सेटिंग गोल्स इन एडवांस। मूव ऑन करें अपन दूसरे चीज़ पे। दूसरा हमारा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का डिफिनेशन यहाँ पर मैंने लिखा है, असाइनिंग ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क, एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड अलोकेटिंग रिसोर्सेज टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक प्लान। मतलब प्लानिंग में आपने क्या किया, प्लानिंग में आपने प्लान बनाया, अब ऑर्गेनाइजिंग में आप क्या करोगे, ऑर्गेनाइजिंग में उस प्लान से रिलेटेड चीज़ें आप करोगे, जैसे असाइनिंग ड्यूटीज। यहाँ पर आपने सोचा कि कौन करेगा, यहाँ पर आपने पता चला कि चलो मेरे पास में 20 इंप्लॉइज है जिसमें से जो दूसरा नंबर का इंप्लॉई है वो ये वाला काम करेगा। तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या है कि आपको वो वाला काम उस बंदे को असाइन भी तो करना पड़ेगा ना, वो काम आप उस बंदे को अलॉट करोगे, उसको बुलाओगे अपने ऑफिस में और बोलोगे कि हाँ भाई, तो कल हम प्लानिंग कर रहे थे और अब तुमको ये वाला काम हमने असाइन किया है। तो यहाँ पर अपन ड्यूटीज़ असाइन करते हैं। ड्यूटीज़ असाइन करने के साथ साथ में अपने को अथॉरिटी भी कुछ देना पड़ता है, ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ किसी को ड्यूटी देते रहोगे। जैसे मान लो कि मम्मी ने आपको बोला कि जाओ बेटा सब्जी लेके आओ, मतलब बाजार से ले जाओ और बाजार से घर के राशन का सामान ले आओ या सब्जी ले आओ, ये क्या किया आपने, मम्मी आपके मम्मी ने आपको ये ड्यूटी दे दिया, बट इस ड्यूटी के साथ आपके मम्मी ने ये अथॉरिटी भी तो दिया कि आप जो 500 रुपये का बजट है उसको खर्चा कर दो अपने हिसाब से, आप उसमें जो जो सब्जियां जिस भाव पे मिल रही है उस भाव पे आप उसको खरीद लो, ये अथॉरिटी भी तो दिया। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ड्यूटीज़ दे सकते हैं, अगर सिर्फ ड्यूटी दे वो आप सिर्फ किसी को ड्यूटी दे दो और उसको अथॉरिटी नहीं दे दो तो वो काम ही नहीं कर पाएगा बंदा, है ना। मान लो कि आपके प्रिंसिपल सर ने आपके टीचर को बोला कि देखो जो भी मैंने क्लास एकदम शांत रहे ये आपका ड्यूटी है, 100% क्लास पे पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए, पढ़ाई एकदम अच्छी सी होनी चाहिए। टीचर ने बोला ठीक है सर, बहुत अच्छा बात है। बट हुआ क्या कि जब बच्चे बदमाशी कर रहे हैं तो उस टीचर ने खड़े करके एक बच्चे को डांट दिया और वो बच्चा चला गया प्रिंसिपल सर के पास, और फिर प्रिंसिपल सर ने टीचर को डांटा, वो बोला कि भाई मैंने तुमको क्लास शांत रखने बोला था तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम उसको डांटोगे। तो फिर टीचर ने बोला कि सर आप मेरे को ड्यूटी दिए हो कि तुमको क्लास शांत रखना है तो मेरे को कुछ अथॉरिटीज भी तो देना पड़ेगा, कुछ पावर भी तो देना पड़ेगा ना, तभी तो मैं उस पावर का यूज़ करके, उस पावर का इस्तेमाल करके मैं बच्चों को शांत रख सकता हूँ। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि जो ड्यूटी है उसके साथ साथ अथॉरिटी भी पैरेलल चलती है, या अथॉरिटी है उसके साथ ड्यूटी भी पैरेलल चलती है। किसी के पास बहुत ज़्यादा पावर है तो उसके पास बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ भी हैं, किसी के पास बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ भी हैं तो उनके पास कुछ पावर्स भी हैं। वही चीज़ है कि अपन यहाँ पर ड्यूटीज़ असाइन करते हैं और साथ साथ में एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी, अथॉरिटी भी एस्टैब्लिश करते हैं, कुछ कुछ उनको पावर्स भी देते हैं। ग्रुपिंग टास्क, अब हो सकता है कि बहुत अलग अलग तरह के टास्क, मतलब बहुत एक ही तरह के अलग 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 टास्क होंगे तो अपन उसको ग्रुप करके भी किसी को अलॉट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अपन ऑर्गेनाइजिंग में देखते हैं। एलोकेटिंग रिसोर्सेज, अब देखो बिजनेस में कोई भी काम करने के लिए रिसोर्सेज भी तो चाहिए ना, ऐसा तो आप बोल नहीं सकते कि मेरे को सेल्स जो है वो 1,000 करोड़ रुपए की चाहिए बट रिसोर्सेज हमारे पास जीरो नहीं, मतलब रिसोर्सेज हम तुमको नहीं देंगे। या फिर आपने किसी अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया और उसको बोला कि इस महीने की टारगेट है तुम्हारी कि तुमको 2 लाख रुपये का सेल देना है, तो बोलेगा ठीक है सर 2 लाख का सेल दूंगे तो हमको कस्टमर से ज़्यादा के मिलना पड़ेगा, उसके लिए आप मेरे को एक स्कूटी अरेंज कर दो या एक मोटरसाइकिल अरेंज कर दो। तो हमारे बॉस ने बोला कि नहीं भाई मोटरसाइकिल तो नहीं होगा, तुमको ठेले गाड़ी से जाना पड़ेगा या तुमको एक रिक्शे गाड़ी से जाना पड़ेगा, और वो भी हम नहीं देंगे, वो तुम अपना खुद समझो। तो ऐसा थोड़ी होगा यार, आपको रिसोर्सेज भी तो एलोकेट करने पड़ेंगे अपने प्लान के हिसाब से। जिस तरह से आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं, जिस तरह से आपने ड्यूटीज़ दिया है, उसी की तरह से आपको रिसोर्सेज भी तो बांटने पड़ेंगे, रिसोर्सेज भी तो देने पड़ेंगे, तभी तो कोई बंदा काम कर पाएंगे, नहीं तो कैसे कोई काम करेगा।
दिस इज अ थिंग. और ये सब हम कर क्यों रहे हैं, ये सब हम कर रहे हैं कि कैरी आउट ए स्पेसिफिक प्लान को करने के लिए. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने प्लान बनाया और इसी प्लान को तो एग्जीक्यूट करने का तैयारी हम ऑर्गेनाइजिंग में कर रहे हैं. ध्यान देना कि हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि अपन एग्जीक्यूट करने की तैयारी कर रहे हैं. प्लानिंग में क्या है, प्लानिंग में अपन ने प्लान बनाया, ऑर्गेनाइजिंग में अपन ने प्लान को एग्जीक्यूट करने की तैयारी की. तीसरा अपना पॉइंट आता है स्टाफिंग. स्टाफिंग का मतलब मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग. ठीक है, स्टाफिंग का मतलब, अब देखो हो सकता है कि हमने जितना काम सोचा था उतना काम के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने इंप्लॉयज़ हमको चाहिए थे उतने इंप्लॉयज़ हैं, तब तो चलो स्टाफिंग का कोई एज सच बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है. बट मान लो कि आपने सोचा बहुत सारी चीज़ बट उसके हिसाब से आपके पास में इंप्लॉयज़ नहीं है, तो आपको क्या है कि थर्ड स्टेप में, दूसरे स्टेप में जब आप काम दे रहे थे तो आपको पता चला कि भाई हमारे पास तो इंप्लॉयज़ ही नहीं है उसके हिसाब से. तो स्टाफिंग में क्या करते हैं, स्टाफिंग में हम फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, मतलब जो जो जॉब्स हमारे हैं उस जॉब के लिए जो राइट बंदा है, जो राइट पर्सन है, उसको अपन ढूंढते हैं, उसको अपन अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाते हैं, शामिल करते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं और फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाते हैं, बोलते हैं कि भाई तुम अब हमारे लिए काम करो. तो स्टाफिंग में बेसिकली तीन चार चीज़ें होती है. रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट मतलब मान लो कि हमारे पास में कोई जॉब वैकेंसी है, हमारे पास में 20 सीट्स खाली है, तो उस 20 सीट के लिए प्रोस्पेक्टिव जो एम्प्लॉयज़ हैं, प्रोस्पेक्टिव जो लोग हैं जो उस सीट को फुलफिल कर सकते हैं, उनको ढूंढना, दैट इज़ रिक्रूटमेंट. फिर सिलेक्शन, सिलेक्शन मतलब अब 20 सीट के लिए ऐसा तो नहीं है कि 20 बंदे जो है वो एप्लीकेशन देंगे, हो सकता है 20 सीट के लिए 100 लोग ने एप्लीकेशन किया कि भाई हमको नौकरी पर रख लो, हमको नौकरी पर रख लो, तो अब उन 100 में से 20 को भी तो चुनना पड़ेगा ना, तो दैट इज़ सिलेक्शन. फिर प्लेसमेंट, उनको अब अपनी कंपनी में प्लेस करना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा कि भाई आप आओ हमारी कंपनी में काम करो, तो दैट इज़ प्लेसमेंट. फिर ट्रेनिंग, अब उन्होंने तो अपनी पढ़ाई की है, हमारे कंपनीज में कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें, कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, तो अपन को उनको ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा अपने हिसाब से. और भी कुछ चीज़ें होती है जो कि अपन एज एन व्हेन अपन स्टाफिंग चैप्टर में मूव ऑन करेंगे तब अपन सीखेंगे. मूव ऑन करें तो डायरेक्टिंग, अब देखो अभी तक क्या है, आपने प्लानिंग किया, उस प्लान को कैसे कैसे एग्जीक्यूट करना है आपने ये सब सोच लिया, ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज कर ली, कुछ स्टाफ का रिक्वायरमेंट था तो आपने उस स्टाफ के रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर लिया. अब अपन डायरेक्टिंग में क्या पढ़ेंगे, डायरेक्टिंग में एक्चुअली काम स्टार्ट होता है. यहाँ पे क्या है कि अपने लोग जो इम्प्लॉयज़ हैं उनको आप डायरेक्शन देना शुरू कर देंगे, भाई चल काम कर, बहुत हो गया प्लानिंग स्लानिंग ऊपर वाले लोगों ने कर लिया, अब तुम काम करो और अब मेरे को रिजल्ट चाहिए. क्योंकि आप ये प्लानिंग कर लो, कितना भी ऑर्गेनाइजिंग कर लो, स्टाफिंग कर लो, जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं. आपने कितना भी सोच लिया मेरे को 95% चाहिए, जब तक आप उसके लिए लेबर नहीं करोगे, आप पढ़ोगे नहीं, आप पढ़ाई को इन्जॉय नहीं करोगे, तब तक कोई फायदा नहीं है. वैसा प्लानिंग का वैसा हजारों हजार प्लानिंग होती है, सारे क्लास के सारे बच्चे प्लान करते हैं कि मेरे को 95% चाहिए, अंत में लाता कौन है, लाता वही है जो कंसिस्टेंटली टिका रहता है, जो अलग अलग सोर्सेज से पढ़ता है, जो मेरी वीडियोस को लगातार देखेगा वही अल्टीमेटली सक्सीड करेगा. मेरी वीडियोस या कोई भी अच्छे टीचर की वीडियो, जो चीज़ों को समझाने में इंटरेस्टेड रखते हो, जो चीज़ों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी में बिलीव रखते हो, आप किसी को भी टीचर को फॉलो करोगे, अपना पूरा बेस्ट दोगे, तो फिर 95% या 98% भी मार्क्स आते हैं. एनीवेज, डायरेक्टिंग में अपन क्या पढ़ रहे हैं, लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग विद द एम्प्लॉयज. मतलब अब यहाँ तक जो था सोचने विचारने का ये सब काम हुआ, अब अपन के डायरेक्टिंग में क्या हो रहा है कि डायरेक्टिंग में कोई बंदा लीड कर रहा है टीम को, चलो भाई लीड टीम, तुम काम करो, मैं तुमको लीड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लीडिंग. इन्फ्लुएंसिंग, इन्फ्लुएंसिंग का मतलब, अब देखो होता क्या है ना कि जो लीडर होता है ना उसको इन्फ्लुएंस भी करना पड़ता है. जैसे हमारे मोदी जी, उन्होंने बोला स्वच्छ भारत अभियान है ना, खूब चला आज से साल दो साल पहले तक, स्वच्छ भारत ऐसा करके खूब चला, नारेबाजी वगैरह खूब हुई. तो मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी गजब के लीडर हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद फोटो खिंचवाई, एकदम साफ सुथरा उजला कलर का अपना कुर्ता पजामा वगैरह पहन के उन्होंने झाड़ू लेके खुद से फोटो खिंचवाई और उसको बड़े बड़े अखबार में उसका एड्स दिया, इश्तिहार दिया है ना. तो उससे क्या है, उससे ये पता चला कि अब लोगों ने सोचा कि अरे बाप रे, हमारे लीडर, हमारे मोदी जी, वो इतना मैंने खुद से वो झाड़ू से चीज़ों को साफ़ करें तो हमको भी साफ़ रखना चाहिए. तो स्वच्छ भारत अभियान का कुछ हुआ हो नहीं हुआ हो, बट हाँ लोगों के अंदर एक जागरूकता आई है ना. तो वही चीज़ है, इन्फ्लुएंस करना पड़ता है लीडर को, उनको दिखाना पड़ता है कि यार तुम्हारा लीडर काम कर रहा है तो तुमको भी काम करना चाहिए, तब जाके लोग काम करते हैं. तो ये होता है डायरेक्टिंग में. फिर मोटिवेटिंग, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आते हैं जब हमारे जो इम्प्लॉयज़ हैं वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, शैटर्ड फील करने लगते हैं, तो उनको इंसेंटिव देना, मोटिवेशन देना. आप लोग भी कभी कभी डिसशैटर्ड फील, मतलब शैटर्ड फील करने लगोगे तो फिर मैं आपको मोटिवेशन दूंगा. हमारे यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट बहुत सारे ऑर्गेनाइज़ किए जाएंगे, तो उसमें जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा उसको हम चीज़ें गिफ्ट करेंगे, उनको हम प्राइजेस देंगे. तो वो सब चीज़ें हुआ मोटिवेटिंग के अंदर में. मूव ऑन करें कम्युनिकेटिंग. कम्युनिकेटिंग में क्या है कि अब देखिए बहुत सारी चीज़ों को कम्युनिकेट भी तो करना पड़ता है ना. जैसे कल अपने एक फ्लो पढ़ा था कि टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले जो है वो पॉलिसीज़ बनाते हैं, उसको मूव ऑन करते हैं मिडिल वाले, और मिडिल वाले फिर जो है लोअर लेवल वाले लोगों को
वो बातें कम्युनिकेट करते हैं, और फिर लोअर वाले जो है वो वर्कर्स के साथ में कम्युनिकेशन करते हैं। तो कम्युनिकेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो कि डायरेक्टिंग के अंदर में आता है। जैसे मेरे को डायरेक्शन देना है तभी तो मेरे को कम्युनिकेट करना है ना, मेरे को प्लानिंग में क्या कम्युनिकेट करना है, प्लानिंग में तो हम कुछ कम्युनिकेट करते नहीं, खुद ही सोचते हैं और आपस में अपनी टीम के साथ डिस्कस करते हैं। तो कम्युनिकेटिंग विथ द एम्प्लॉयज, मतलब जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको भी तो कम्युनिकेट करना पड़ेगा ना कि भाई तुमको ऐसे करना है, तुमको वैसे करना है, तुम ऐसे करो, कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बताओ, वो चीज़ें यहाँ पर आएंगी। लास्ट जो अपना चीज़ है वो है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या है, मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कंट्रोलिंग में क्या है, ठीक है अब यहाँ पे अपना काम शुरू हो गया, सब चीज़ें अच्छे से चलने लगी, जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ थे वो मोटिवेटेड हो गए, उन्होंने काम धंधा स्टार्ट कर दिया, बट अब क्या है कि अब हमको मॉनिटर भी तो करना पड़ेगा ना कि ऑर्गेनाइजेशन का जो परफॉर्मेंस है, जैसा परफॉर्मेंस हम कर रहे हैं टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, अपने गोल को अचीव करने के लिए जैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं क्या वो अप टू द मार्क है कि नहीं है, हमने जैसा प्लान किया था हम वैसा परफॉर्म कर रहे हैं कि हम नहीं कर पा रहे हैं वैसा परफॉर्म, ये चीज़ भी तो हमको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ता रहेगा। अगर हम कंट्रोल में मॉनिटर नहीं करेंगे तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मान लो कि हमने सोचा कि ठीक है ऐसा करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, बट एक्चुअली में वैसा हो ही नहीं रहा है, एक्चुअली में उससे बहुत ज़्यादा डिविएशंस आ रहे हैं, हमने सोचा था कि ये करेंगे बट एक्चुअली में बहुत हट के कुछ चीज़ें हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसके लिए हमको कंट्रोलिंग मेजर्स लगाने पड़ते हैं, कंट्रोलिंग करना पड़ता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि भाई सब चीज़ों को इंश्योर करें कि सब चीज़ें अच्छे से हो। तो ये बेसिकली पांच फंक्शंस थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्सप्लेनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन लेड करने में बहुत मदद करेंगे आगे के चैप्टर्स में, क्योंकि मैंने बताया कि इन सब पांचों शब्दों के ऊपर अपना पूरा चैप्टर है और मोटा मोटी 25-30 मार्क के आसपास का वेटेज इसके एग्जाम्स में से आने वाला है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब आगे देखते हैं। अब क्या है, ये कोऑर्डिनेशन जो अपन पढ़ रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी में या अदर पब्लिकेशन में भी लिखा है कि कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट में। क्यों, क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ा, हमने वो पढ़ा कि प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग या फिर ये जो भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं, ये सारे फंक्शंस अभी तक अपने ने जो पढ़ा वो बहुत मैंने इंडिपेंडेंट फॉर्म में पढ़ा कि ठीक है प्लानिंग करते हैं, फिर उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर स्टाफिंग करते हैं, फिर उसके हिसाब से डायरेक्टिंग और फिर कंट्रोलिंग करते हैं। बट क्या है, कोऑर्डिनेशन एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा फोर्स है जो इन सब चीज़ों को आपस में जोड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन कोऑर्डिनेशन की टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं। कोऑर्डिनेशन, इट इज़ द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इट इज़ द कॉमन थ्रेड दैट रन्स थ्रू ऑल एक्टिविटीज़। दो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, पहला चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोऑर्डिनेशन इट इज़ द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट दैट बाइंड्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोऑर्डिनेशन से क्या होता है, कोऑर्डिनेशन से एक बाइंडिंग इस्टेब्लिश होती है, मतलब ये पांचों फंक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाए, पांचों फंक्शन एक दूसरे से इंटरलिंक्ड को रिलेटेड रहें, उसके लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोऑर्डिनेशन का मतलब सपोज करते हैं, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। सपोज कीजिए कि आपने प्लानिंग कुछ की, आपने प्लानिंग की कि मेरे को बोर्ड्स में 95% से ज़्यादा मार्क्स चाहिए, आपने ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हिसाब से किया, आपने चीज़ों को सोचा ऐसे, आपने प्रीमाइसेस ऐसे हिसाब से डेवलपमेंट किया कि आपको 70% मार्क्स चाहिए, फिर आपने एक ऐसे टीचर को चुन लिया जो कि आपको इतना घटिया पढ़ा रहा है, इतना घटिया पढ़ा रहा है कि उसके हिसाब से 60% भी मार्क्स नहीं आएंगे, ये स्टाफिंग, आपने स्टाफिंग गलत कर लिया। फिर क्या है कि फिर आपने डायरेक्शन और कंट्रोलिंग भी उसके अकॉर्डिंगली नहीं की। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि सब चीज़ों को अगर इंडिपेंडेंट कर दें कि प्लानिंग कुछ हो रहा है, ऑर्गेनाइजिंग कुछ कर रहे हैं अपन, काम उसके हिसाब से नहीं हो रहा है, स्टाफिंग कुछ कर रहे हैं, गलत लोगों को हायर कर लेना है, हमने प्लान किया कि हमको एक वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए हमको वेबसाइट डेवलपर चाहिए, बट हमने अपॉइंटमेंट किसका किया, हमने अपॉइंटमेंट कर लिया एक डॉक्टर का कि चलो भाई हमारा ऑर्गेनाइजेशन में कोई बीमार होगा तो हम उसका ट्रीटमेंट उसके साथ करा देंगे, तो डज इट जस्टिफाइज, नहीं। तो उसी के लिए बोला कि कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोऑर्डिनेशन मतलब सब चीज़ों के बीच में बैलेंस बना रहा है, सब चीज़ों के बीच में एक बाइंडिंग बना रहा है, सब चीज़ों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बना रहा है, एक कॉमन पूल बना रहा है। इसके बाद क्या कहता है कि इट इज़ द कॉमन थ्रेड दैट रन थ्रू ऑल एक्टिविटीज़, कोऑर्डिनेशन जो है एक कॉमन थ्रेड है, ये रेड कलर की लाइन में मैंने दिखाने का कोशिश किया कि कोऑर्डिनेशन इज द कॉमन थ्रेड विच रन्स थ्रू ऑल द एक्टिविटीज, सारे चीज़ों को साथ लेके चलने वाला जो फोर्स है, जो बल है, उसी को अपन क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। इसके कुछ फीचर्स हैं, पहला फीचर है इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। अब देखिए अभी तक आपने क्या बताया कि कोऑर्डिनेशन जो है वो इस पाँचों फंक्शंस को लेके चलता है, वो इन पाँचों फंक्शंस को क्या है कि सिंक्रोनाइज करने में मदद करता है, तो दैट ऑब्वियसली मीन्स कि ग्रुप एफर्ट्स जो हैं वो कैसे इंटीग्रेट होंगे, कैसे स्टार्ट होगा, कैसे इनिशिएट होगा, उसको इनिशिएट करने वाला यही है, कोऑर्डिनेशन ही है जिससे ग्रुप एफर्ट्स इनिशिएट होते हैं। ग्रुप एफर्ट्स इनिशिएट होते हैं कि मतलब सब लोग मिलकर कलेक्टिवली एक कॉमन विजन के लिए काम कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन से ही। इफ़ देयर वुड नॉट बी कोऑर्डिनेशन देन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू वॉक इन अ स्टेबल डायरेक्शन, टू वॉक कलेक्टिवली, है ना।
बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन है तभी जाके सारे के सारे लोग ग्रुप में एक डायरेक्शन में एफर्ट कर पाते, नहीं तो हो सकता है कि कोई बंदा कोई एफर्ट कर रहा हो, कोई बंदा कोई एफर्ट कर रहा हो, और अल्टीमेटली रिजल्ट जो है वो प्रोडक्टिव नहीं आए या एज एक्सपेक्टेड है वो नहीं आए। मूव ऑन करते हैं, इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। अब यूनिटी ऑफ एक्शन क्या है इसको डेप्थ में अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये हमारा सपोज कीजिए गोल है, ठीक है, तो यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब क्या है कि अगर कोई ए बंदा है वो इधर से इधर की ओर जाए, बी बंदा है वो भी इधर से इधर की ओर जाए, कोई सी बंदा यहाँ पर है वो भी यहाँ से इधर की ओर ही जाए, मतलब जो भी एक्शन है वो उनके यूनाइटेड होने चाहिए, मतलब एक डायरेक्शन में होना चाहिए, उसी को कहते हैं यूनिटी ऑफ एक्शन। या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये सारे लोग जो है वो एक ही डायरेक्शन में काम करें, एक ही दिशा में काम करें, सारे लोगों का जो एक्शन है वो यूनाइटेड हो, सब लोगों का एक्शन मिला जुला हो। जैसे मान लीजिए कि सपोज करते हैं कि अपन एक गेम खेल रहे हैं, ठीक है, गेम क्या खेल रहे हैं, रस्सी खींचने की गेम खेल रहा है, तीन चार लोग उधर हैं जो उस साइड रस्सी खींच रहे हैं और तीन चार लोग इधर हैं जो इस साइड रस्सी खींच रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जब तक तीन चारों लोग मिलके अपनी ही दिशा में रस्सी नहीं खींच लेंगे, मतलब जब तक आप उधर जितने फोर्स लगा रहे हैं, उधर जितना बल से लोग खींच रहे हैं, उससे ज़्यादा बल से जब तक आप अपनी तरफ नहीं खींचेंगे तब तक वो रस्सी आपकी तरफ नहीं खिंचाने वाली है। वही चीज़ यहाँ पे कहने का मतलब है कि यूनिटी ऑफ एक्शन हमको ज़रूरी है, हम जो एक्शन कर रहे हैं वो यूनाइटेड होकर करें, है ना। जैसे इसका एक दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ, एक बहुत क्लासिक एग्जांपल आप लोग ने सुना होगा कि एक किसान रहता है, उसके तीन चार बच्चे रहते हैं, तो वो किसान क्या बोलता है, वो अपने सारे बच्चों को बुलाता है और बोलता है कि इस लकड़ी को तोड़ो, और वो लकड़ी रहती है तो कोई भी आदमी जो है, कोई भी व्यक्ति उस लकड़ी को ऐसे सिंपल लकड़ी को लेता है और ऐसे लेता है और ऐसे तोड़ देता है, लकड़ी टूट जाती है बार बार, चारों बच्चों को देता है, चारों बच्चे लकड़ी तोड़ देते हैं। बट उसके बाद क्या होता है कि वो जो फार्मर रहता है वो ऐसे करके तीन चार पांच लकड़ियों को साथ में मिला देते हैं और अब बोलते हैं कि लो अब मैंने एक बंडल बना देते हैं, एक बंच बना देते हैं और बोलते हैं कि तोड़ो। सब लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं बट कोई नहीं तोड़ पाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जब आप यूनाइटेड रहते हैं, जब आप एकजुट होकर काम करते हैं, जब आप मिलकर काम करते हैं, तो फिर गोल अचीव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वही चीज़ यहाँ पे इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन में बताया गया है कि जब आप कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, जब आप कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं, तब जो है आपका यूनिटी ऑफ एक्शन क्रिएट होता है, मतलब आप सब लोग एक ही दिशा में काम करते हैं और फिर सब लोग गोल्स जो है वो अचीव कर पाते हैं। मूव ऑन करते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखिए क्या है, हमने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा कि मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस और मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं और एक ऐसा फोर्स है जो उन सारे फंक्शन को कोरिलेटेड वे में चलाता है, सबको एक डायरेक्शन में चलाता है। तो दैट इज ऑब्वियस कि कोऑर्डिनेशन जो है वो भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा। ऐसा नहीं है कि आप डे वन पे कोऑर्डिनेटेड हैं और अगर आप डे टू, डे थ्री, डे फोर पे कोऑर्डिनेटेड नहीं है, अगर आपका कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है तो फिर वो कोऑर्डिनेशन कोई काम का नहीं है, वो फालतू कोऑर्डिनेशन हो जाता है। तो दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट टू बी नोटेड कि कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको एक डायरेक्शन में चलने में मदद करता है और कंटिन्यूअसली आपको कोऑर्डिनेशन करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप आज कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, कल आप कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे तभी भी काम चल जाएगा, नहीं, दिस इज नॉट द केस। फिर क्या है, परवेसिव फंक्शन। परवेसिव का मतलब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि यूनिवर्सल फंक्शन, वहाँ पे मैंने यूनिवर्सल उसको इस एस्पेक्ट में बताया था कि चाहे कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, सब जगह मैनेजमेंट लगता ही है। यहाँ पे क्या बोलता है कि परवेसिव फंक्शन है, मतलब ऐसा फंक्शन है जिसे हमने पांच फंक्शंस पढ़ा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और एक बाद में हम फोर्स या एक फंक्शन पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, ये एक ऐसा फंक्शन है जो परवेसिव है, हर जगह है। प्लानिंग में भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, ऑर्गेनाइजिंग में भी ज़रूरत है, स्टाफिंग में भी ज़रूरत है, डायरेक्टिंग में भी, कंट्रोलिंग में भी, और ये तो आपको पता ही है कि मैनेजमेंट में ही बड़े छोटे, प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट, हर जगह जरूरत है। तो उसी तरह से जो हमारा कोऑर्डिनेशन भी है वो क्या है, वो भी एक परवेसिव फंक्शन है, मतलब एक ऐसा फंक्शन है जो हर जगह देखने को ज़रूरत है, हर जगह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मूव ऑन करते हैं। हमारा अगला पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। अब देखिए कोऑर्डिनेशन का किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, आपस में कोऑर्डिनेशन होगा नहीं होगा इसका जवाबदेही कौन लेगा? तो इसका जवाबदेही सारे मैनेजर्स मिलकर लेते हैं। सारे मैनेजर्स के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि कोऑर्डिनेशन हो और हमारे गोल्स अचीव हो, क्योंकि अगर आपको गोल अचीव करना है तो कोऑर्डिनेशन करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिना इसके दैट इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव द गोल। सो दैट्स वाई दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स एंड इट इज़ अ डिलीबरेट फंक्शन, मतलब ये एक ऐसा फंक्शन है जो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स, इतना ज़्यादा क्योस, इतना ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हो जाएगा कि फिर सारा मैनेजमेंट क्या हुआ, सब गड़बड़। मतलब कोऑर्डिनेशन इज समथिंग विच हैव टू बी डन इन द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू अचीव द गोल्स। इट इज़ इम्पॉसिबल और इट इज़ स्लाइटली इम्पॉसिबल टू अचीव द गोल विदाउट कोऑर्डिनेशन। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन नहीं हो और आप गोल्स अचीव कर लो। वो तब हो सकता है जब आपके गोल्स बिल्कुल ही मतलब ऐसे गोल्स हैं जो ईजिली कोई भी उसको अचीव कर ले, वैसा गोल्स अगर आप बनाते हैं तभी जाके आप बिना कोऑर्डिनेशन के भी अचीव कर सकते हैं। सो कोऑर्डिनेशन इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन परस्पेक्टिव। अब अपन पढ़ेंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है।
वाई इज द कोऑर्डिनेशन सो इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहले बोलता है कि साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखें तो देखो छोटे ऑर्गेनाइजेशन में क्या है ना कि फिर भी अगर आप कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहे हो इवन इफ, क्योंकि एक्चुअली में बात क्या है ना कि कोऑर्डिनेशन का रिक्वायरमेंट कब आता है, जब अपन मल्टी फंक्शन काम करते हैं. जैसे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, मान लो एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, उसमें क्या होता है कि जो प्लानर है वही मैनेजर है, वही ऑर्गेनाइजर है, वही स्टाफ स्टाफिंग कर रहा है या वही स्टाफ का काम कर रहा है, वही कंट्रोलिंग कर रहा है, सब चीज़ वही कर रहा है. तो इन दैट केस कि वो खुद ब खुद कोऑर्डिनेशन हो जाता है ना. मान लो आप खुद ही प्लान भी कर रहे हो, खुद ही उस प्लान को आप एग्जीक्यूट भी कर रहे हो, खुद ही आप काम भी कर रहे हो, झाड़ू भी आप खुद ही लगा रहे हो और किसी कस्टमर से डील भी आप खुद ही कर रहे हो. तो इन दैट केस क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन का जो रोल है वो थोड़ा कम हो जाता है. बट जैसे जैसे एज एंड व्हेन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज, तो कोऑर्डिनेशन का जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. अब फंक्शनल डिफरेंशिएशन की अपन बात करते हैं. तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन में क्या बोलता है कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गेनाइजेशन अलग 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 फंक्शंस के बेसिस पे बटा होता है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अपन इसके ऊपर में एक पूरा चैप्टर का डिस्कशन आएगा ऑर्गेनाइजिंग में, अपन इसको पढ़ेंगे. बट अभी एज ऑफ नाउ मैं आपको बताता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं ना, जैसे जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें अलग अलग फंक्शंस के बेसिस पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होता है. तो इन दैट केस ऑल्सो कोऑर्डिनेशन का जो रोल है वो बहुत बढ़ जाता है. जैसे एक डिपार्टमेंट है जो परचेस करता है प्रोडक्ट्स को, एक डिपार्टमेंट है जो प्रोडक्ट को सेल करता है, या मतलब एक डिपार्टमेंट है जो रॉ मटेरियल्स परचेस करता है, फिर एक डिपार्टमेंट है जो उस रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस करता है, मतलब उस रॉ मटेरियल्स को गुड्स में कन्वर्ट करता है, फिर एक डिपार्टमेंट है जो उस गुड्स को बेचता है, फिर एक डिपार्टमेंट है फाइनेंस डिपार्टमेंट जो उन बेचे हुए रुपयों को वापस से कलेक्ट करता है, उनको कहाँ इन्वेस्ट करना है नहीं करना ये सब सोचता है. तो क्या होता है कि जब अपन अपना ऑर्गेनाइजेशन जब मल्टी फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन बन जाए, मतलब जब ऐसा मल्टी फंक्शन तो सारे होते हैं, मतलब जब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बन जाए जिसमें आपने फंक्शंस को डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है, तो उन इन दैट केस ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोऑर्डिनेशन हो. क्योंकि मान लो कि अभी जो परचेज डिपार्टमेंट है वो उसने अनाप शनाप क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स खरीद लिया, मतलब उसने रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीद लिया, और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसके पास में उतनी मशीन ही नहीं है कि वो उसका प्रोडक्शन कर पाए. मान लो कि उसने प्रोडक्शन कर भी दिया तो जो सेल्स डिपार्टमेंट वो बोलता है कि भाई उतना तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है मार्केट में. तो इन दैट केस भी क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. ठीक है, अब क्या है स्पेशलाइजेशन. स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब है कि आजकल के जो ऑर्गेनाइजेशंस हो रहे हैं, जो नए नए फॉर्म्स ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस जो इस्टेब्लिश हो रहे हैं, उसमें क्या होता है स्पेशलाइजेशन बहुत ज़्यादा होती है. मतलब क्या कि एक प्रोडक्शन वाला जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, माने सपोज करते हैं कि एक प्रोडक्शन मैनेजर है तो वो प्रोडक्शन में ही स्पेशलाइज करता है. कोई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है तो वो ह्यूमन रिसोर्स में ही स्पेशलाइजेशन करता है. मतलब कंपैरेटिवली उसको अदर डिपार्टमेंट्स का उतना नॉलेज नहीं होता है. तो अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको कलेक्टिवली तो काम करना ही करना पड़ेगा. तो यहाँ पर भी जो कोऑर्डिनेशन का जो इम्पैक्ट है, कोऑर्डिनेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. क्यों बढ़ जाती है भाई, क्योंकि मान लो कि जो सेल्स वाला बंदा है उसको ज़्यादा करके, मैंने सेल्स में ही वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज करता है. कोई परचेज वाला बंदा है वो परचेज में ही बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज करता है. तो जब सबका स्पेशलाइजेशन को अपन मिलाएंगे तब तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बन के निकल पाएगा ना. तो इन दैट केस ऑल्सो द कोऑर्डिनेशन का जो इंपॉर्टेंस है वो और ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है. तो दीज आर द 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. अब अपन क्या है, एक छोटा सा डिस्कशन है कोऑर्डिनेशन वर्सेस कोऑपरेशन. हालांकि आपके एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा छोटा डिस्कशन है, कुछ ऑथर्स हैं जो इसको रिलेवेंट या इंपॉर्टेंट बताते हैं, तो मैं इसको नटशेल में आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा कि बेसिकली कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन का क्या डिफरेंसेस होता है. तो सबसे पहले अपन अगर इसका मीनिंग पर्सपेक्टिव पढ़ें कि दो शब्द है, एक है कोऑर्डिनेशन और एक है कोऑपरेशन. इन दोनों शब्दों को अगर आप, मैं आपको फील दिलाने का कोशिश करूं, मैं आपको समझाने का कोशिश करूं कि क्या होता है. तो देखो कोऑर्डिनेशन में क्या होता है ना कि कोऑर्डिनेशन इज समथिंग विच यू हैव टू परफॉर्म, है ना. कोऑर्डिनेशन इज समथिंग विच यू हैव टू परफॉर्म. जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में मान लो आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब के बीच में अगर एस्टैब्लिशमेंट नहीं करोगे एक रिलेशनशिप, एक कॉमन थ्रेड को अगर आप मूव ऑन नहीं करोगे तो फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा. तो कोऑर्डिनेशन इज समथिंग विच इज कंपलसरी, विच इज इंपॉर्टेंट. बट कोऑपरेशन इज समथिंग विच इज वॉलेंट्री इन नेचर. मतलब वॉलेंट्री का मतलब कि सपोज करते हैं कि अपन दो इम्प्लॉयज हैं, ठीक है, एक इम्प्लॉय मिस्टर ए है और एक इम्प्लॉय मिस्टर बी है. और क्या है कि मिस्टर ए के घर में उनकी वाइफ भी है, मिसेज ए. तो होता क्या है कि एक दिन मिस्टर ए और मिस्टर बी, ये दोनों इम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं. मिस्टर ए की फ़ोन की घंटी बजती है और मिसेज ए जो हैं वो बोलती हैं कि बाबू आप जल्दी से घर आ जाइए, मेरी तबीयत ख़राब हो गई है. ठीक है, तो मिस्टर ए जो है वो तो काफ़ी घबरा जाते हैं कि भाई मेरे बाबू को क्या हुआ, उनकी तबीयत ख़राब कैसे हो गई है. तो मिस्टर ए जो बोलते हैं, मिस्टर ए मिस्टर बी को बोलते हैं कि देखो भाई
यार मेरा बहुत सारा काम बचा हुआ है भाई, तुम एक्चुअली मेरे वाइफ का कॉल आया है, उसकी तबीयत खराब हो गई है, वाइफ का या गर्लफ्रेंड का जिसका भी कॉल आया है, तो मैं तो इन काम को यहीं पे ड्रॉप कर रहा हूँ, देखो बॉस मेरे को बहुत झाड़ेगा, तू अपना काम कर ले और उसके बाद तुमको थोड़ा सा टाइम मिलेगा, तो बस 10 मिनट का काम है, तुम इसको कंप्लीट करके प्लीज़ पास ऑन कर देना मेरे मेल से, तुम बॉस को मेल कर देना जिससे कि मेरे को बॉस से डांटनी पड़े। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जो मिस्टर बी है, जो मिस्टर ए का कलीग है, वो चाहे तो कोऑपरेट करे, नहीं चाहे तो नहीं करे, दैट इज़ नॉट अ कंपल्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि उसको कोऑपरेशन करना ही पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है, यहाँ पे मिस्टर बी ने बोला कि हाँ भाई चल जा जा जा, तू भाभी का ध्यान दे, तू घर जा और तू भाभी का ख्याल रख, मैं कर दूंगा तेरा काम, तू टेंशन ना ले। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिस्टर बी ने कोऑपरेशन किया है ना, तो दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड कोऑपरेशन, ठीक है। बट कोऑर्डिनेशन क्या है, मैं आपको एक और प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। सपोज करते हैं कि मिस्टर ए वो एक एम्प्लॉई है एक डिपार्टमेंट में, और उस डिपार्टमेंट के जो मैनेजर हैं वो मिस्टर एक्स हैं, ठीक है। मिस्टर ए एक एम्प्लॉई है एक डिपार्टमेंट में, और इस डिपार्टमेंट के जो मैनेजर हैं वो मिस्टर एक्स हैं। सपोज करो कि मिस्टर ए और मिस्टर एक्स की आपस में बनती नहीं है, कोई काम आया जो मिस्टर ए को सौंपा गया, मिस्टर ए ने उस काम को किया और उस काम में लिखा था कि आपको ये काम करके जो है अपने डिपार्टमेंट के हेड को पास ऑन करना है, अपने डिपार्टमेंट के हेड को आपको रिपोर्ट करनी है। तो उसने क्या किया, उसने काम तो किया बट उसने डिपार्टमेंट हेड को नहीं करके कंपनी के सीईओ को मेल कर दिया कि भाई हमारे डिपार्टमेंट हेड से बनती नहीं है, आप कंपनी के सीईओ है, मैंने आपको आपको रिपोर्ट करूंगा, मैं अपने डिपार्टमेंट के हेड को काम अपने डिपार्टमेंट के हेड को रिपोर्ट नहीं करूंगा। तो इन दैट केस क्या हुआ कि उसने क्या है कि एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन का, उसको ब्रेक किया। और उसको ब्रेक करोगे तो काम कैसे होगा यार, आपका जो डिपार्टमेंट का हेड है आपसे बनती है नहीं बनती है डजेंट मैटर, बट यू हैव टू रिपोर्ट। अगर आपके टर्म्स एंड कंडीशन में जो भी प्रोजेक्ट आपको मिला उसमें लिखा है कि आपको अपने डिपार्टमेंट हेड को रिपोर्ट करना है, तो आपको अपने डिपार्टमेंट हेड को ही रिपोर्ट करना पड़ेगा। दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे क्या, आपने कोऑर्डिनेशन नहीं किया बट यू हैव टू कोऑर्डिनेट विथ योर डिपार्टमेंट हेड ओनली, क्यों, क्योंकि आपके वैसे टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ है, समझे। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे सपोज करो कि आप एग्जामिनेशन हॉल में गए और वहाँ पर एक इन्विजिलेटर साहब थे, वो खड़े थे, थोड़े बूढ़े से थे, उनको क्या है, उनको नींद आ रही थी, ठीक है। तो वो ऐसे टेबल पे ऐसे करके बैठे हुए थे और उसी में थोड़ा सा हल्का सा झपकी उनको आने लगी, वो नींद आ गई उनको, और आप लोग जो एग्ज़ाम दे रहे थे आप लोग आपस में बच्चों ने कोऑर्डिनेट कर लिया। अब आप मेरे को बताओ कि कोऑर्डिनेट कर लिया कि कोऑपरेट कर लिया, बच्चों ने आपस में बोला कि यार एकदम धीरे धीरे अपन एक दूसरे को पेपर्स शिफ्ट कर लेते हैं, एक दूसरे की जिसने एक पेज फिल कर लिया है वो अपने आगे वाले को मूव ऑन करेगा, और ऐसे करके सारे बच्चों का एग्जाम में सारे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे, सब बच्चे का मार्क्स अच्छा जाएगा। तो वो क्या है, सर सो गए नींद, उनको नींद आ गई, वो गहरी नींद में सो गए, और बच्चों ने चुपके से एकदम धीरे से आपस में ही सारे पेपर स्विचेस कर लिए और सारे बच्चे एकदम धांसु एग्जाम गए। तो इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, इस एग्जाम्पल में इज इट कोऑपरेशन और इज इट कोऑर्डिनेशन, दिस इज नॉट कोऑर्डिनेशन, दिस इज कोऑपरेशन। सारे बच्चों ने एक दूसरे से कोऑपरेट किया है ना। हालांकि ये जो एग्जाम्पल लिया है ये बिल्कुल गलत है, आपको एग्जाम में बिल्कुल चीटिंग नहीं करनी चाहिए, मैं ये बोलूँगा, बट फिर भी मैं आपको मैंने आपको बेटर समझ में आएगा इसके लिए मैंने आपको ऐसा बताया है। उस एग्जाम में क्या हुआ, सारे बच्चे के भयानक 90, 95, 98, 97 ऐसे मार्क्स आए, 97, 98 मार्क्स आए। क्यों आए, क्योंकि जिसका जो चीज़ अच्छा था वो एक दूसरे ने सबको शेयर कर लिया और सब बच्चे टॉप कर गए। तो वहाँ पे उन्होंने जो किया वो उन्होंने क्या किया, कोऑपरेशन किया, बिकॉज दैट वॉज नॉट अ कंपल्शन फॉर देम, वो उनके लिए कंपल्शन नहीं था, वो उनका मूड हुआ तो उन्होंने किया। तो ये अपना कोऑर्डिनेशन वर्सेस कोऑपरेशन का सबसे पहला डिफरेंस, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है, क्या होता है कि कोऑपरेशन जो है वो होता है वॉलंटरी, मतलब मैं चाहूंगा तो करूंगा, मैं नहीं चाहूंगा तो नहीं करूंगा। कोऑर्डिनेशन क्या है, वो होता है 100 and 200% इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अपन मूव ऑन करते हैं, कोऑर्डिनेशन जो है वो आपको हर हालत में करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि इसके बिना जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स ही नहीं अचीव होंगे। आपको अगर अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करवाने हैं तो आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दिस इज अ डिलिबरेट फंक्शन। यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि दिस इज अ डिलिबरेट फंक्शन, मतलब आपको करना ही करना पड़ेगा, बिना किए अगर आप सोचोगे तो नहीं पॉसिबल है। बट कोऑपरेशन में क्या है, कोऑपरेशन आप चाहो तो करो, नहीं चाहो तो नहीं करो। इसके अलावा भी कुछ दो चार और, मतलब एक दो छोटे छोटे और डिफरेंसेस आते हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेशन जो है ये आपके फॉर्मल रिलेशन से या इनफॉर्मल रिलेशन से, दोनों से निकल सकता है। बट कोऑपरेशन क्या है, ये सिर्फ इनफॉर्मल रिलेशन से निकलता है। मान लो कि जो मैंने आपको ए और बी वाला एग्जांपल दिया था जिसमें एक की पत्नी बीमार हो गई थी या एक की गर्लफ्रेंड बीमार हो गई थी, इन दैट केस अगर सपोज करो कि जो मिस्टर बी बगल में काम कर रहा वाला बंदा रहता, वो उसको मैं कभी जानता ही नहीं रहता, मतलब ठीक है हम लोग एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं दो बंदे, बट मेरी कभी उनसे बात नहीं हुई, मिस्टर बी से, मिस्टर ए की मिस्टर बी से कभी बात नहीं हुई। तो इन दैट केस क्या मिस्टर ए मिस्टर बी को बोल पाते, और अगर मिस्टर ए मिस्टर बी को बोल पाते भी तो क्या मिस्टर बी वो काम करते, ये सब बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। मतलब कि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे इनफॉर्मल रिलेशन काम करती है, इनफॉर्मल रिलेशन मतलब प्यार दोस्ती वाला रिलेशनशिप, वहाँ पे कोई बिजनेस रिलेशन काम नहीं करता है।
है ना, कहाँ पर? कोऑर्डिनेशन में. कोऑर्डिनेशन में क्या है कि वो बिजनेस रिलेशन भी हो सकता है और नॉन बिजनेस, मतलब वो प्यार मोहब्बत वाली रिलेशन भी हो सकते हैं, उसमें भी अपन कोऑर्डिनेट कर सकते हैं या बिजनेस रिलेशन में भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं. कोऑपरेशन में क्या है? कोऑपरेशन में हमेशा इनफॉर्मल रिलेशन ही काम करता है. मतलब अगर वो दो लोग जानते हैं एक दूसरे को, दो लोग दोस्त हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी अगर दोस्त हैं तभी वो एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. ये तो मिस्टर बी बोलेगा यार तू कौन है, मैं नहीं जानता यार, ठीक है तू मेरे डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई बट मेरे तो, मैं तो तुमको जानता भी नहीं हूँ, तुम जाओ अपना, तुम देखो, तुम समझो, मेरे को कोई मतलब नहीं है. तो वहाँ पे क्या है, फॉर्मल इनफॉर्मल रिलेशन का भी एक पॉइंट आता है कोऑर्डिनेशन वर्सेस कोऑपरेशन में. तो कुछ और चीज़ें हैं वो धीरे धीरे अपन को क्लियर हो जाएंगे. मेरे हिसाब से ये नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का कोऑर्डिनेशन वाला जो डिस्कशन था ये आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा. अब अपन मूव ऑन करते हैं, छोटा सा कुछ डिस्कशन इस चैप्टर में बचा हुआ है उसको कंप्लीट करते हैं. बेसिकली ऐसा चीज़ है जो बहुत अच्छे से पढ़ाते नहीं है टीचर्स और एज सच बहुत ज़्यादा रिलेवेंस रखता नहीं है. बेसिकली कुछ थोड़ा सा कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए मैनेजमेंट के स्टूडेंट के बतौर, वही बातें अपन इसमें जानते हैं. मैनेजमेंट इन द 21st सेंचुरी, आपने जो भी चीज़ें पढ़ा सब वो सब सेंचुरी में वैलिड थी, बट हो क्या रहा है, ड्यू टू रैपिड एक्सपेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड दिस टेक एरा, इस टेक एरा के कारण हो क्या रहा है कि अब जो मैनेजर है या अब जो मैनेजमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है. मतलब कोई भी सब्जेक्ट है या कोई भी ज्ञान है, कोई भी नॉलेज है, वो भी तो ओवर द टाइम क्या होता है, ग्रो करता है ना. जैसे आप इंग्लिश को देख लो तो उसमें क्या है, नए नए वर्ड्स आ रहे हैं. हिंदी को देख लो, नए नए शब्द आ रहे हैं. वैसे ही हमारा जो मैनेजमेंट है उसमें भी क्या है, नए नए फीचर्स आ रहे हैं, नए नए मेरिट्स आ रहे हैं. तो 21वीं सदी का किसी मैनेजर को, 21st सेंचुरी का मैनेजर को कैसा होना चाहिए ये अपन इसमें पढ़ते हैं. या फिर एक बहुत छोटा सा डिस्कशन ये है कि अपना जो दुनिया है, जो दुनिया है दैट इज़ नाउ बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज. ग्लोबल विलेज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो ग्लोबलाइजेशन हुआ हमारी कंट्री में 1991 के आसपास, 1991 में, उसमें क्या 1990s में शायद, तो उसमें क्या हुआ कि इंडिया और अदर देन इंडिया मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये जो दोनों था इनका आपस में इंटरेक्शन बहुत अच्छा हो गया. इंटरेक्शन हो गया इन द सेंस कि इंडिया के लोग आपको, मतलब इंडिया के लोग को कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो वो सिर्फ इंडिया में लिमिटेड नहीं है, वो फॉरेन की किसी भी जगह से कोई भी प्रोडक्ट खरीद के इंडिया में यूज़ कर सकते हैं. बट 1990 के पहले ऐसा नहीं था, आपके पास में इंडिया में ग्लोबल प्रोडक्ट्स नहीं थे, आप सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट्स ही इंडिया में खरीद सकते थे. तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे अब एंटिटीज़ मल्टीनेशनल हो रही है. आप लोग देखते होंगे, आप लोग सुनते होंगे न्यूज़ वगैरह में, मल्टीनेशनल कंपनीज़, मतलब ऐसी कंपनीज़ जो बहुत सारे नेशंस में हो, जैसे कि गूगल, फेसबुक, Amazon, ये सब जो कंपनीज हैं ये क्या मल्टीनेशनल है. आप देखोगे कि ये इंडिया में भी है और फॉरेन में भी है. डोमिनोज, पिज्ज़ा खाने वाले, ये सब बहुत सारे शौकीन है मेरे स्टूडेंट, है ना. तो हो क्या रहा है कि अब जो मैनेजर्स हैं उनको एज अ प्रोडक्ट मैनेजर भी वर्क करना है, एज अ डिपार्टमेंटल मैनेजर भी वर्क करना है, एज अ रीजनल मैनेजर वर्क करना है, एज अ स्टेट मैनेजर वर्क करना है, एज अ कंट्री मैनेजर वर्क करना है और एज अ ग्लोबल मैनेजर भी वर्क करना है. तो होता कुछ नहीं है, ग्लोबल मैनेजर अगर आप है, मैनेजमेंट इन द 21st सेंचुरी का मतलब है कि आप ग्लोबल मैनेजर्स बने. यू ड्रीम टू बी अ ग्लोबल मैनेजर. और ग्लोबल मैनेजर के क्या ऊपर है कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. जैसे जैसे हमारा एक्सपेंशन हो रहा है, जैसे जैसे पूरी दुनिया का मार्केट जो है इंटीग्रेट हो रहा है, वैसे वैसे ग्लोबल मैनेजर्स का भी दरकार बढ़ रहा है. तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी बेसिक कि हाँ ठीक है, अब 21वीं सदी आ गया है, सारे कंट्रीज़ मिल के बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे पास में ग्लोबल मैनेजर्स का भी रिक्वायरमेंट है. तो ये चीज़ें आपको समझनी थी. दिस इज़ अमेयर थ्योरी, मेरे को नहीं लगता एक्सपेक्टेशन है कि इस एग्जामिनेशन में कुछ ऐसा क्वेश्चन आने वाला है, बट ठीक है, इतना बार आपको प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी होगा कि जैसे स्टेट मैनेजर्स हैं या नेशनल मैनेजर्स हैं वैसे ही अब ग्लोबल मैनेजर्स भी हो रहे हैं, जो एक मतलब यूनिवर्सल लेवल पे पूरे के पूरे दुनिया में हमारी क्या पॉलिसीज होंगी, क्या प्लान्स होंगे, इसको ये लोग डिटरमाइन करते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड दैट इज ऑल फॉर चैप्टर नंबर वन. बट ऐसा नहीं कि हमारा चैप्टर नंबर वन यहीं खत्म हो गया है. इसके अलावा एक बार तो अपन पूरा कोर्स पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर जो है मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज, केस स्टडी सीरीज, ये सब भी लाऊंगा. सो दिस इज समथिंग विच इज कंसेप्ट सीरीज, जिसमें अपन पूरा चैप्टर को खोद खोद के उनके अंदर पूरे तह तक जाते हैं. वी गो इनटू द डीपेस्ट ऑफ द रूट्स पॉसिबल. तो यहाँ पर तो अपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, अब इसके ऊपर के क्वेश्चन, केस स्टडीज, ये सब भी अपन डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोज में. बट फर्स्ट ऑफ ऑल विल कंप्लीट द होल कोर्स कवरेज ऑफ आवर बिजनेस स्टडीज. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. दिस इज केशव देवरा साइनिंग ऑफ. आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपने सिर्फ यही सीरीज पहली दफ़ा देखी है तो आप और भी जो वीडियोस हमारे हैं इस चैप्टर के और अदर चैप्टर्स के उसको एक्सप्लोर कीजिए. यू विल लव बिजनेस स्टडीज, यू विल लव अकाउंट्स, यू विल लव कॉमर्स, यू विल सी अ चेंज इन योर परस्पेक्टिव ऑफ लुकिंग ओवर द सब्जेक्ट्स. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. दिस इज केशव देवरा साइनिंग ऑफ. बाय बाय, गुड डे.